जब भी आप फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे ना, वो उल्टी सीधी हरकतें जरूर करते हैं। के अंदर हजार साल से भी ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स है और एक वॉल है जिसके चारों तरफ हजार बुद्धा बनाए हुए हैं। इस फ्लाईओवर में इस तरफ देखो तो ब्रिज भी इस तरफ लगता है, ब्रिज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ देखो लगता है इस तरफ जा रहा है। ये 17 हाँ हाँ बड़ा गाड़ी आ जाता है। रास्ते काफी खतरनाक है आप जैसा की देख सकते हैं। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सभी व्यूअर्स को डीजी का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई साहब, आज का जो व्लॉग है हम शुरू कर रहे हैं टाबो से, हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ, पूरा का पूरा ये जो एरिया है सब हिमाचल प्रदेश में आता है। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये है अमेजिंग स्पिति। अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं टाबो की एक मोनेस्ट्री है, फिर हम जा रहे हैं पिन वैली जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। और भाई पिछले व्लॉग में मैंने अपना जो रूम है वो सही से नहीं दिखाया, ना प्राइस वगैरह बताया, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रूम है हमें पड़ा है 1500 रुपये का। रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, एक बेड हमने यहाँ पर लगवा दिया था, एक बंदा यहाँ पर सोया और तीन बंदे इस वाले बेड पर एडजस्ट हो गए थे। तो पूरा बजट ट्रिप चल रहा है, इस वजह से हम एक ही रूम में एडजस्ट कर रहे हैं सारे के सारे। और हमारी फैमिली ऐसी है कि यार हर जगह कहीं पर भी एडजस्ट कर लेती है। ओहो, उठ तो गया है मानस भाई, ये हालत टाइट है। हैं, हालत टाइट है। ओ भैया उठ जाओ, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हारे? सारे बदन में दर्द हो रहा है। देखो अभी चाहिए तड़के वाला मसाज। मसाज चाहिए? अब यहाँ पे भाई मसाज करने वाला तो कोई मिलेगा नहीं। मसाज हो जरूर। अश्लीलता की हदे पार। ये मुझे ब्लर करना पड़ेगा। सेंसर दिखना होगा। अबे उठ जाओ भाई, उठ जाओ। उठ गया बस। तो चलिए दिखाते हैं आपको टाबो मोनेस्ट्री, और ये टाबो विलेज है पूरा, काफी टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है मोनेस्ट्री के अंदर से। ये देखिए, ये जो मोनेस्ट्री है पूरी की पूरी मिट्टी से बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर आप विंटर में यहाँ पर आते हैं तो जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं सारी की सारी बर्फ से ढकी होती हैं। सी इधर भी कुछ चौटन्स वगैरह बनी हुई हैं, इधर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चौटन्स इधर बनी हुई हैं, और हमेशा जब भी मैं आता हूँ ताबो या फिर काजा तो ये मोनेस्ट्री ज़रूर घूमता हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, सुकून की सांस लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं, यहाँ से देखिए, इट्स जस्ट अमेजिंग। ना कैमरा, फ़ोन, लाइट कुछ भी ले जाना, फ्लैशलाइट वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर हजार साल से भी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स हैं और एक वॉल है जिसके चारों तरफ हजार बुद्धा बनाए हुए हैं, और अंदर भी बहुत बड़ी बुद्धा जी की पेंटिंग है, सिद्धार्थ की। और ये पेंटिंग ना सारी हाथ से एक रात में बनाई गई है, और भी बनाने के लिए किसी तरह की लाइट का यूज़ नहीं किया। लेंटर पर ऊपर एक स्टार देके उससे रोशनी ले रहे थे जिससे कि पूरी रोशनी हो जाए अंदर, और अब भी यहाँ अंदर कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी वो दिखा रहे हैं अपनी एक टॉर्च से थोड़ा सा दिखा रहे हैं, और यहाँ पे दीवारों पे पूरी मोनोस्क्रिप्ट लिखी हुई है कि भाई कौन सी पेंटिंग कम बनाई गई, कौन से राजा ने बनवाई, कैसे बनी, कुछ भी। बहुत सुंदर बना हुआ अंदर एकदम, हर तरह का। फोटोग्राफी अलाउड? हाँ, अंदर फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ये तो थी हिस्ट्री यहाँ की ताबो मोनेस्ट्री की, जो मड वाली है। अभी हम चलते हैं बाहर, एक नई मोनेस्ट्री बनी है वहाँ पर भी चलते हैं, देखते हैं अगर फोटोग्राफी अलाउड होती है वहाँ पर तो आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी चोटा लगी हुई यहाँ पर। प्रसाद पीने के लिए ना? प्रसाद है? हाँ। थोड़ा स्पीकर सिर्फ लगा दो सर।
अंदर बताया था कि पूजा स्टार्ट होने वाली है, ये पूजा करने जा रही है। ये मोनिस्ट्री 24 घंटे खुली रहती है, किसी टाइम बंद नहीं करती। चलो फाइनली अपना जो रूम है वो छोड़ते हैं, सब ओके डन। तो अब निकल रहे हैं हम पिन वैली के लिए और टाइम हो चुका है 12:30। एक्चुअली यहाँ पर घूमते घूमते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, हटो। हाँ जी, ऑल सेट, सब तैयार पिन वैली के लिए। चलो चलो, तो ये था ताबो विलेज। इस टाइम काफ़ी अच्छी खासी गर्मी है, सुबह ठंड थी। मज़ा आ जाता है टाइगर को भगा के, उसकी आवाज़ सुन के क्या रोर करता है। ज़बरदस्त लग रहा है यार, सामने का जो नज़ारा है, फुल फील आ रही है ऑफ रोडिंग की। चले गए नदी के पास, नदी के पास अभी देख के आते हैं नीचे जगह है कि नहीं। हाँ चल 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 चल, अभी आ रहे हैं। चलो चलो चलो, ओए मजा आ गया यार। हैं उधर चले, उधर 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 आ जा, आ जा इधर लिया। बस 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 बस, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। ओ हो, भाई साहब ये है जन्नत। स्पीति का मजा यहाँ पर है, नदी किनारे स्पीति रिवर के। दिस इज एपिक मैन। तो राइट नाउ हम पहुंच गए हैं बिल्कुल स्पीति रिवर के साथ में, पास में, और मैंने कार को भी बुला लिया कि भाई थोड़ा सा एंजॉय ये भी कर लेंगे। है भाई नज़ारा नदी के किनारे, बस नदी के किनारे। तो यही मज़ा है यार रोड ट्रिप का फैमिली के साथ भी, कि फैमिली भी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं। पास में नहीं जाना है नदी के, क्योंकि एकदम से गहरी हो जाती है ये। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेते हैं ड्रोन शॉट और दिखाते हैं आपको एरियल व्यू। देखो एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ, जब भी आप फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे ना, वो उल्टी सीधी हरकतें ज़रूर करते हैं। देखो जूते के अंदर क्या भर के लेके आए हैं। भाई पत्थर कौन लेके जाता भाई, हम जूते के अंदर पत्थर, और बोल रहे घर पे लेके। भाई ने जेब में भरे हैं। जैकेट में पत्थर है, जैकेट में पत्थर है।
ओ भाई साहब अच्छा लग रहा है, तुम पत्थर देखो अच्छे लग रहे। खासियत देखो अच्छा लग रहा है तो बताओ। ज्यादातर सब पे ना चक्र की तरह बने हुए हैं, अच्छे ना लग रहे तो बताओ यार, इसलिए मैंने रख लिया। मुझे थोड़ा ये देखो ध्यान से, व्हाइट कलर की गोल गोल लाइनें बनी हुई। इतना बड़ा लेके जाओगे तुम? नहीं नहीं, ये लेके नहीं जा रहे, ये तो पानी में फेंक दूंगा। फेंक के दिखा, ये मैं ले आऊंगा एक पद एक पीस। ये देखो मस्त लग रहा है ना, ये मैं पूरा सफेद ले लूंगा खुश। भाई ने और ऐसा लग रहा है ज़ेब्रा है देखो। सो गाइस, ये वाला जो रास्ता है ये जाता है ढनकार गोम्पा और ढनकार लेक। 3 किलोमीटर का ट्रैक है ढनकार लेक का, लेकिन हम यहाँ पर जा नहीं रहे हैं। एक्चुअली आज थोड़ी सी जल्दी है, लेट हो चुके हैं और हमारे जो दिन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हम स्किप कर रहे हैं ढनकार मोनेस्ट्री। ये देख रहे हो कैसे चोटियाँ निकली पड़ी हैं, और ये हुआ है हवा के बहने से। जी हाँ, हवा इनके बीच में से निकली है और ये ऐसी चोटियाँ बन गई हैं ये आप जो देख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर जो गाड़ी है वो मैं खड़ी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो जितनी भी चोटियाँ हैं यहाँ पर, हर किसी के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है ज़्यादातर। ये देखो रखा नहीं हुआ है एक्चुअली, उसके नीचे से जो मिट्टी है वो निकल गई है और ऊपर पत्थर रह गए हैं। वो देखो कुछ चोटियों के ऊपर आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे। सी, ये है कुदरत के नज़ारे और करिश्मा। हमारी गाड़ी निकल चुकी है आगे, फटाफट निकले। अजब गजब नज़ारे, अजब गजब। लिंगती, तो ये था लिंगती का वाटरफॉल। एक मिनट, सामने वाले पहाड़ देखना, गौर से देखना और उनकी टेक्सचर देखना, बनावट देखना। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। देखिए कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, नुकीली शिलाएं हैं लंबी लंबी, लेकिन सारी की सारी मिट्टी की बनी हुई है ये। अतरगु सगनम मुद भाभा सड़क, तो जी ये है अतरगु सगनम मुद भाभा सड़क, और यहीं से मुद का जो रास्ता है मड विलेज पिन वैली, यहीं से रास्ता है। ये पहुंच गए हम स्पिति रिवर के दूसरी साइड पर, और यहाँ से जो रास्ता है वो 40-45 किलोमीटर का है। ओ शाबाश, यहाँ तो ऑफ रोड आ गया ज़बरदस्त, ऊपर से पत्थर आए हुए हैं। मजे आ रहे ले बस, मजे आ रहे ले। सही ऑफ रोड है, एक नंबर एक नंबर। भाई बोल रहा फटी पड़ी है ओ। लेकिन भाई मुझे तो ऐसे रास्तों पर बहुत मजा आता है जहाँ पर ऑफ रोड हो, ग्रिप अच्छी मिलती है मुझे। मुझे भगाने में मजा आता है एक्चुअली ऐसे। आई थिंक कि हम गुलिंग पहुंचे हैं। ये कौन सा विलेज है? कौन सा विलेज है? गुलिंग है, गुलिंग। गुलिंग ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कहाँ तक जाना है? हमें पिन वैली मड। मड विलेज जाना? हाँ मड विलेज। अगर आपको मड जाना है तो 16 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। 16 किलोमीटर ना? बड़े बड़े लोड लोड दे दिया मैं गाड़ी में। हाँ लोड तो है, लोड तो है। हाँ? कितना लाख है? ये 17। 17 लाख का? हाँ। इसे तो बड़ा गाड़ी भी आना है। हाँ बड़ा गाड़ी आ जाता है। सुनना, ये माइलेज 20-25 हाँ ठीक दे देता है। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली है। आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम यहीं पे। जूली। आवाज तगड़ा है। थैंक यू। तो यहाँ से 16 किलोमीटर बचा हुआ है पिन वैली यानी कि मड विलेज।
जबरदस्त लग रहा है ऊपर। आजा आजा खींच लेते हैं। छोटे छोटे गांव के बीच में से निकल रही हैं, नाम हमें पता नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है ये जो गांव की गलियां हैं। दोनों तरफ बाड़ लगा रखी है देखिए पत्थरों से, और आगे बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लग गए हैं हमें। और मुझे लगता है कि इस सीज़न बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो सिर्फ पिन वैली में ही देखने को मिलेंगे। और ये बाइक की आवाज़ से भागता फिर रहा है। एक मिनट भाई आराम से निकलते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली बाइक की आवाज़ ठीक ठाक सी है। क्या हुआ यहाँ से तेलिंग है? अच्छा तेलिंग इधर है, मूड ऊपर है, मूड ऊपर जाना है ऊपर। गजब की ठंडी है भाई, गजब की ठंडी है इस टाइम। बहुत तेज हवा चल रही है और बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं, इस वजह से ठंड बढ़ गई है। टाइम हो चुका है 4:12। रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हैं आप जैसा कि देख सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, पूरा का पूरा ऑफ रोड है। सी हो, आज का तो फुल एडवेंचर हो गया। तो यहाँ पर भी फोटोग्राफी होगी आई थिंक, मुझे तो लगता है कि भाई होगी। तो भाई हम पहुँचे हैं एक ऐसे ब्रिज पर जो कि बहुत ही ज़्यादा हिलता है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। ओ हो हो भागो। अरे फोन गिर जाएगा भाई, दिलाओ मत। इस फ्लाईओवर में इस तरफ देखो तो ब्रिज भी लगता है ब्रिज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ देखो लगता है इस तरफ जा रहा है, और बीच में स्ट्रेट रहो तो भी ऐसे ऐसे हिलता रहता। डर भी लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी हवा, इतना अच्छा मौसम है, तो चारों तरफ बर्फ की पहाड़ है, बहुत ही सुंदर है। कुछ ज्यादा हिल रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। एक्चुअली पता है वाटर को देखोगे ना इल्यूजन हो जाएगा माइंड को कि हम उस तरफ जा रहे हैं, कि पुल जा रहा है। मैंने ना जैकेट भी डाली है, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, यहाँ बहुत ठंडी हवा, ठंड लग जाएगी फटाफट जाके गाड़ी में। मैं गाड़ी में ही जाती हूँ आराम से, देख के वहाँ पे फट्टा निकला हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे एक फट्टा कच्चा भी है आराम से। ओ हिलामत, ओ हिलामत, हिलामत ये आ रही है, मंकी की तरह कर रहे हैं शिवनी चाचू। भाई साहब ओ मुझे ऐसा लग रहा है ब्रिज इधर जा रहा है। माइंड इल्यूजन, वाटर इल्यूजन। चले अब सुकून 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 अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का सुकून। तो यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कोई होटल, देखते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे पहले। तो ये है पूरा विलेज। हाँ जी तो पहुंच गए मड विलेज। एक ना यहाँ पे भाबा टॉप भी है, भाबा टॉप ढाबा नहीं भाबा टॉप, लेकिन वहाँ पे बाइक नहीं जाता। अरे तो उसमें देखा तो था भाबा, ट्रैक है। हाँ वो 7 दिन का ट्रैक है वहाँ पे। अच्छा भाबा टॉप का, भाबा टॉप जो भाबा पास है ना वो, हाँ। वो ट्रैकिंग है ऊपर 7 दिन की उत्तरी। मोमोज आ चुके हैं, रोटी आ चुकी है, और देखिए एक मिनट बताते हैं आपको, ये मिक्स वेज। हाँ, ये मिक्स वेज हो गई, दाल दाल और ये चावल, ये चावल ओके, और ये चटनी मोमोज की, बढ़िया। तो शुभारंभ किया जाए। हाँ जी फटाफट, भूख लगी। मम्मी और दादी का तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम, क्योंकि पहले भी एक बार स्पीति आ चुका है। हाँ चलो फटाफट खाओ, और जी आज का व्लॉग करेंगे फिर एंड। मुझे ना यहाँ की क्रॉकरी बहुत पसंद है, इनकी क्रॉकरी भी देखो कितने प्यारे प्यारे डिजाइन बने होते हैं, ये ड्रैगन वाले। अगर मुझे रस्ते में क्रॉकरी कहीं दिखी ना मैं खरीद के लेके जाऊंगी। ठंड बहुत है, कुल्फी जम रही है, कप कप्पी छूट रही है। आज लगा जैसा घर जैसा खाना, घर जैसा खाना।
हाँ जी सर्दी बहुत है। देखो कोट वोट इसने पहन रखा है, ये भी बिल्कुल पैक हो चुका है, मैं भी बिल्कुल पैक हो चुका हूँ। तो आज का जो व्लॉग है इसको एंड करेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, मज़ा आया। शुरुआत हमने करी ताबो विलेज से और वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो देखा, फिर जो हमें लैंडस्केप्स वगैरह देखने को मिली वो भी बहुत ही शानदार थी। रास्ते में एक ब्रिज दिखा था लकड़ी का, हम उस पे गए, वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे लगता था कभी ब्रिज इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। बोर्ड पर टेलिंग लिखा था, टेलिंग। हाँ एकदम सुपर दिन रहा और ऑफ रोडिंग तो बहुत ही जबरदस्त थी। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो उसे ऑर्गेनिक जो व्यूज हैं जो यूट्यूब है उसको दूसरों को सजेस्ट करेगा तो हमारे जो व्यूज हैं और बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो चलिए अब करते हैं व्लॉग को एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। सायोनारा मम्मी, सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Fango, baila, reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se lo siento.